नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू RGTS.in। मायसेल्फ महेश बावलिया। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ RGTS ट्रेन पावर। राइट, हमने रिसेंटली RGTS ट्रेन पावर सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, RGTS ट्रेन पावर इटसेल्फ, राइट, कि ट्रेन के साथ ट्रेड करेगा और हमारा इंटेंशन है ट्रेड लेस अर्न मोर। राइट, कि हर बार ट्रेड में बने रहना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो जो नॉर्मली ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम होता है, ये समटाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम्स के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार जगलिंग होता है, बार बार बाइसेल बाइसेल बन रहा है, तो एंट्री करें एग्जिट करें, एंट्री करें एग्जिट करें, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, और आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाते हैं तो इश्यू होता है कि ट्रेड डिले होता है। राइट, हमें लगता है यार अभी ये जस्ट एन एग्जांपल बैंक निफ्टी है, 30-40 पॉइंट पड़ गया है, अभी यहाँ से बाई कैसे करें, या तो 30-40 पॉइंट कम हो गया है, अभी यहाँ से सेल कैसे करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है ट्रेंड पावर। ट्रेंड पावर में नॉर्मली 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। अभी यहाँ पे बात करें तो ये ट्रेंड पावर का पहला फर्स्ट व्यू है कि इस तरह का ट्रेंड पावर का ट्रेडिंग सिस्टम दिख रहा है, इस टाइप का इसका विंडो है। नॉर्मली ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बॉटम में रिबन चल रहा है जो आपको ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि अभी ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, सेल आ रहा है, या राइट मतलब बुलिस आ रहा है या बेरिस आ रहा है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ दो लाइन चल रही है, ब्लू लाइन चल रहा है, एक रेड लाइन चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली ब्लू लाइन को क्रॉस करके कोई भी स्क्रिप्ट ऊपर ट्रेड करता है, राइट, तो उसका मतलब है वहां से बुलिश सिग्नल आएगा और ऊपर जा सकता है। उसी तरह रेड लाइन के नीचे कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब कि बेरिश चल रहा है, या तो उधर से रेड लाइन के नीचे क्रॉस ओवर से सेल सिग्नल बन सकता है। इतना सिंपल है कि डायरेक्टली आप उसको बाय या सेल का जो भी सिग्नल बन रहा है उससे आप ट्रेड कर सकते हो, और ऐसे छोटे वाइप्स अगर आ रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए भी वी हैव द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये सेल का कॉल बना है, आपने देखा कि ये सेल का कॉल बन रहा है, यस सेल आ रहा है, राइट, निफ्टी सेल ट्रेड एट द 10,154, राइट। तो यहाँ से अगर अभी सेल करने का बात है तो यहाँ पे छोटा सा कंफर्मेशन ले लेंगे, वी विल डन द सेल आफ्टर द सक्सेसफुल ब्रेकडाउन। ठीक है ना, कि यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन एक पूरा का पूरा कैंडल, राइट, उसका क्लोजिंग ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक उसका डाउन रेड लाइन के नीचे होना चाहिए, वो रेड लाइन को छूना नहीं चाहिए नेक्स्ट कैंडल जो है। ठीक है, तो हम उसको सेल कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये क्लोजिंग का सिग्नल है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड डे जब जैसे कि आज का है, ठीक है, आज अगर बॉटम में नीचे ही ये सेल में ही अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ है, सॉरी ये निफ्टी ओपन हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से सेल करके जा सकते हैं। आवर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड द ब्लू लाइन। यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस है कम से कम हो, छोटा स्टॉप लॉस हो, अराउंड लाइक 40। अभी इस केस में आपका स्टॉप लॉस एक बड़ा हो जाएगा, देन वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड, राइट। अगर नियर बाई द स्टॉप लॉस अगर है तो हम ट्रेड करके जा सकते हैं। उसी तरह ये बाय का सिग्नल आएगा, ठीक है ना, कि ये बाय का सिग्नल था, लेकिन ये बाय हम नहीं कर सकते, ये गलत सिग्नल है। क्यों नहीं कर सकते, कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बाय करना है तो ब्लू लाइन के ऊपर एक पूरा कैंडल ओपन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई सिग्नल बना है देन वी विल गो बाय, राइट, कि ऊपर कैंडल बना है, सेकंड कैंडल से हम एंट्री लेंगे, वो कैंडल ऊपर होना चाहिए, तब हम सेल जा सकते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। अभी देखिए कि ये सेल एक चला था, अच्छा सेल चल रहा, ट्रेड चला था। उसी तरह बैंक निफ्टी नॉर्मली, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, नॉर्मली देखा जाता है क्या होता है कि इतने कोई सेल का सिग्नल, एक सेल सिग्नल बना था हमारा अराउंड 29 नवंबर को, तब से लेकर लगातार फॉलिंग आ रहा है, लगातार निफ्टी गिर रहा है, तो कोई सिग्नल बीच में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कॉन्स्टेंट उसी ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो, ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस लगा के आप कैरी कर सकते हो आपकी पोजिशन को। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब हमने वापस स्टार दिया है बॉटम पे, कि जहाँ से भी स्टार प्रिंट हो रहा है उसका मतलब कि वहाँ पे हल्का सा रिवर्सल है। उस टाइम पे आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है, अगर आपको प्रॉफिट रन हो रहा है देन यू कैन बुक द पार्शियल प्रॉफिट। अगेन हम कुछ वेबसाइट्स वाले ट्रेड ले लेते हैं जो नॉर्मली इश्यूज रहता है, ठीक है ना, वो इस टाइप का ट्रेड जो है,
नॉर्मली जहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रहा है, हो सकता है कि एक आधा ट्रेड आपके हाथ में आ जाए जिसमें आपका स्टॉप लॉस लगे, ठीक है, इस टाइप का कोई बना है, जैसे कि एक ट्रेड है बाय का ट्रेड, तो ऐसा कोई बाय का ट्रेड बन रहा है तो हमें लेना नहीं बन रहा है। रीज़न इज़ कि इसका बाय आया उसके बाद सेकंड कैंडल ही बीच में, दोनों मतलब ब्लू और रेड लाइन के बीच में अगर कोई कैंडल क्लोज हो रहा है या तो उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है तो वहां से हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सेल का सिग्नल्स भी उसी तरह हम अवॉइड कर सकते थे। हाँ, ये बाय का एक ब्रेकआउट आया था तो मे बी ये बाय का सिग्नल हमारे हाथ में आ गया हो और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो लाइक आपके पास अगर 5-6 वाइप्सोज वाले, वाइप्सोज का एक इश्यू ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ऐसे वाइप्सोज वाले ट्रेड आप इजीली ट्रेंड पावर के साथ फिल्टर कर सकते हो। अगेन ट्रेड लेस अर्न मोर, राइट। तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, उसी के साथ साथ बाय सेल करते वक्त हम ट्रेंड का भी ध्यान रख सकते हैं, नीचे रिबन भी हम देख सकते हैं कि रिबन अगर ग्रीन प्रिंट हो रहा है देन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, अगर रिबन को रीड हो रेड हो जाने दो उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है ना। तो ये एक निफ्टी का एग्जांपल था, इसी तरह आप कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है, बैंक निफ्टी ले लेते हैं हम, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी की भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल आज मॉर्निंग से सेल का सिग्नल आया था एंड ऑलमोस्ट 164 पॉइंट अराउंड का प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से लगातार आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी लगातार गिर रहा है फ्रॉम 29 नवंबर से, राइट। स्टील सेल का कोई बाय का सिग्नल नहीं बना है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स के साथ कि अगर बाय बन रहा है या तो मतलब कि इतने दिन तक होल्ड नहीं करना है, बीच में स्विंग लेना है, ठीक है, देन वी हैव सॉल्यूशन। आप RGTS का जो राइट गेट ट्रेडिंग सिस्टम वर्जन 8 हमने लॉन्च किया है उसके ऊपर भी जा सकते हो। ट्रेंड पावर के साथ आप छोटी टाइम फ्रेम में, नॉर्मली आप आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस भी बड़ा आएगा और आपका ट्रेड भी डिले होगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, उसे ले सकते हैं। अभी रिसेंटली बात करें, अभी मार्केट NSE तो क्लोज हो गया है बट वी गो विथ MCX, जस्ट एन एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल का डिसम्बर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा हूँ। अभी बात करें क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में आज एक सेल ट्रेड बना है। अभी हम बात करते हैं, ये सेल ट्रेड था, यहाँ से मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये हुआ क्या है कि यहाँ से सेल तो बना है लेकिन अभी भी उसी कैंडल से हमने नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो उसका हाई है इस कैंडल का वो रेड लाइन के ऊपर था, लेकिन उसके बाद का जो कैंडल बना है कम्प्लीटली नीचे ओपन हुआ है, उसके बाद लगातार ये नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अराउंड हम एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली 3-4 रुपए एंट्री डिले हो रहा है लेकिन एक एंट्री बन रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर सेल करके गए हैं देन आपका रिबन भी रेड था, मतलब कि हमें सपोर्ट कर रहा है रिबन, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ट्राइंगल प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स अराउंड 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे रन हो रहा था, ठीक है ना। तो ये है ट्रेंड पावर। आपको कंप्लीट ब्रेकआउट देखना है, ब्रेक डाउन देखना है, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस केसेस में देखो ये सेल का सिग्नल हमारा फिल्टर हो जाता आसानी से, ठीक है। ये हमारा वेबसो हो सकता था, एक इसका भी वेबसो हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर बात करें तो एक अच्छा रिस्क और रिश्यो मिल जाएगा। ये सेल का सिग्नल्स देखिए, राइट, इट विल डन सेल अराउंड 37.28 ऑन लाइक ये अभी का ही है, दिसंबर, 4 दिसंबर का है, ठीक है। उसके बाद वो वापस लगातार अच्छा खासा सेल आया है। तो कहने का मतलब है कि जब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा तब तक आपका सिग्नल नहीं बदलेगा, तो वो एक अच्छी बात है। स्विंग करने के लिए, जगलिंग करने के लिए यहाँ पे मतलब कि कोई चांस नहीं है। आप छोटी सी टाइम फ्रेम से एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो और एक लंबा ट्रेड चल सकता है, आपको बार बार बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल गोल्ड, ठीक, गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इस टाइप का कोई ट्रेड है, ठीक है ना, इस टाइप का। आसानी से देखो ये एक भी सिग्नल ऐसा नहीं था कि जहाँ पे हम एंट्री बनाते, तो ऑलमोस्ट गोल्ड सेल जो आया है एक कंप्लीट एक अच्छा सेल सिग्नल आया है, तो वो हम सेल करके जा सकते थे। इस टाइप का सिग्नल्स कोई बन रहा है ब्लू और रेड लाइन के बीच में तो हमें अवॉइड करना रहता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ट्रेंड पावर में एक
फैसिलिटी दिया गया है वो है अलर्ट के लिए कि कौन सा बाय आ रहा है कौन सा सेल आ रहा है रियल टाइम में हम चेक कर सकते हैं, राइट। कि हम मैं अगर चाहूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा अभी बाय सेल बना है रिसेंट बार पे ऑल सिंबल में, अगर मैं स्कैन करता हूँ तो राइट रिसेंटली जितने भी बाय और सेल के सिग्नल बने होंगे वो अब मुझे अलर्ट कर देगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि TCS फ्यूचर का एक सेल का सिग्नल था, राइट, उसके बाद वापस ये ट्रेड कर गया है रिवर्स सेकंड कैंडल पे, राइट। इस टाइम पे ये क्लोजिंग का ट्रेड है तो मे बी एक अच्छा सा एक व्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। मे बी ऑल ट्रेड जनरेट अराउंड द क्लोजिंग, राइट, बट ड्यूरिंग द डे टाइम देखो ये एक इन्फीबीम का एक सिग्नल्स था, ठीक है ना, तो सेल आया है। तो इसी तरह एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम टाइम फ्रेम बदल के देख लेते हैं कोई कि कोई सिग्नल्स अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम कोई कमोडिटी का अभी मार्केट ओपन है उसका है कोई सिग्नल बना या नहीं बना है चेक कर लेते हैं एक बार, है तो एक बार देख लेंगे हम। एल्यूमिनियम एक फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में, ओके सॉरी वी डोंट हैव द डाटा फॉर फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट इन एल्यूमिनियम। हाँ ये सारे सिग्नल सब बने हुए हैं सेल का है या तो जो भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये सारा बना हुआ है क्लोजिंग पे तो हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सो दिस इज द सिस्टम। उसके अलावा एक्सप्लोरेशन भी है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कोई बाय या सेल बन रहा है, या तो उसके साथ साथ और भी कई स्कैनर वगैरह हमारे पास ट्रेन पावर में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम जा सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरर है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, कि अभी जस्ट एन एग्जाम्पल अवेल टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स का सिचुएशन क्या है पोजिशन क्या है, ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी ऑलरेडी ट्रेन पावर के साथ दिया गया है, राइट। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो, राइट। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर द डेमो, हम आपको डिप में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लाइक वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।